कोयंबटूर में श्री ब्राह्मण समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दिवाली मिलन समारोह। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी श्री ब्राह्मण समाज कोयंबटूर द्वारा दिवाली स्नेह मिलन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री ब्राह्मण समाज कोयंबटूर में रह रहे उत्तर भारतीयों का एक संगठन है जो दक्षिण भारत में अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। दिवाली स्नेह मिलन समारोह 7 नवम्बर को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समाज के बच्चों के उपलब्धियों पर उन्हें पुरस्कृत किया गया तथा समाज के सभी सदस्यों ने मिलकर मनोरंजक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का खूबसूरत चित्रण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पेयजल, चाय, नाश्ते के साथ शाम के भोजन की भी व्यवस्था कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुभाष चंद्र तिवारी, राकेश कुमार शर्मा, राम प्रकाश दुबे, दिनेश दुबे, साचेंद्र मिश्रा, जय प्रकाश मिश्रा, प्रदीप शर्मा, अश्विनी चौबे, संजय पांडे सहित कमेटी के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। तो अब मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, दिवाली क्यों मनाई जाती है? एक बड़े बड़े ऐसे नहीं बोला, एक एक को हम पूछेंगे, आपको बताना होगा। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपने हाथ खड़ा किया, क्योंकि उस दिन राम भगवान अपने घर लौट गया। ठीक है, थैंक यू परी। तालियां बजाए अनिका पांडे जी के लिए। एक और किसी ने हाथ खड़ा किया था, क्योंकि उस दिन दिवाली सेलिब्रेट होती है। क्या बात है, तो इससे बढ़िया आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन दिवाली सेलिब्रेट होती है। और अपना नाम भी बताओ जो सानवी शर्मा। सानवी शर्मा, सानवी शर्मा के लिए स्पेशल प्राइज बनकर भाई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फैंटास्टिक। और कौन बताएगा दिवाली क्यों सेलिब्रेट होती है? ओके, मेरा नाम पीयूष शर्मा है। दिवाली इसकी सेलिब्रेट होती है क्योंकि राम जी ने ना रावण को मारे थे। पक्का मारा था? कैसे मारा? तीर से मारा था। चलिए ताली बजा रहे पीयूष शर्मा ने। पीयूष शर्मा के लिए बहुत जोरों से ताली बजा रहा है। और कोई बताना चाहेगा? आप ही बताओगी? नहीं बताओगी, अच्छा ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या बताना है? कुछ बता, दिवाली क्यों सेलिब्रेट होती है? ठीक है, चलो। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, पर कौन मुझे कोई भी अपना श्लोक बताएगा? आपने जो श्लोक होते हैं, श्लोक समझते हो क्या होते हैं? नो, ओ माय गॉड, नहीं पता श्लोक क्या होते हैं? किससे पूछ, क्या होते हैं श्लोक? श्लोक है ना, आप जो बड़ों के बनना चाहते हो ना, वो होते हैं। समझ में आ रहा है ना श्लोक क्या होता है? आप जो बड़े होकर बनना चाहते हो वो श्लोक होते हैं। कौन बताएगा? प्रणाम। प्रणाम, श्लोक शुरुआत होती है प्रणाम से। अच्छा भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो कौन मुझे कोई भी गायत्री मंत्र या कोई सा मंत्र आता है? कोई पूजा करते हो आप लोग? आता है? चलो आओ। जोर से सब इनके लिए ताली बजाइए। ये सानवी शर्मा, सानवी शर्मा, थोड़ा और अपने बारे में। तो और किसे जो आता है, कोई भजन आता है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत जोर से। दादू क्या बोल रहे? दादू गायत्री मंत्र आता है? रेडी है तुम्हारा नाम? ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन का आंसर देंगे बाद में, देखते हैं उसके बाद। चलिए हंड्रेड रुपीज।
हंस लो मुस्कुरा लो अगले प्रोग्राम में फिर इसको आऊंगा। आज तो असलो मुस्कुराने अगले प्रोग्राम में फिर इसको आऊंगा। नेक्स्ट टाइम होली में ट्राई किया जाएगा फिर से। सेम 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 आज हंसो मुस्कुराने अगले प्रोग्राम में फिर इसको आऊंगा। आप लोगों को मजा आया।